हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ लियो की मम्मी आनंदिता लियो का और एक वीडियो लेके, जिसमें आप लोग देखेंगे कि मैं किस तरीके से लियो का हेयर ब्रश कराती हूँ, और साथ में आप लोग ये भी देखेंगे कि लियो किस तरीके से मुझे तंग करता है। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं आप लोगों से ही बात करूँ, हिंदी में बात करूँ, लेकिन हो सकता है कभी कभी मैं लियो के साथ बंगला में बात करूँगी। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, मैं लियो के साथ बंगला में ही बात करती हूँ। अब देखिए, ये बात तो है ही कि हर एक बच्चा उनके घर के हिसाब से बड़ा होता है। सभी बच्चे उनके घर के तरीके, तौर तरीके, भाषा, सब कुछ उसी हिसाब से वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसी हिसाब से वो लोग बड़े होते हैं। लेकिन जो लोग पेट्स लवर है, उनके लिए भाषा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई भी भाषा हो, उनके लिए तो एक ही कॉमन भाषा है, दैट इज़ प्यार, लव। मैं कोई भी भाषा लियो के साथ बोलूं, मेरा बोलने का तरीका और उसके अगेंस्ट में उसका रिएक्शन, मैं जानती हूँ आप पेट लवर्स जो भी है, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो उसका क्या रिएक्शन दे रहा है, जबकि वो मेरा पूरा बात सुनता नहीं है। वो बहुत दुष्ट है, कभी कभी मेरा बात तो अवॉइड ही करता है, जो मैं करने बोलती हूँ उसका उल्टा ही करता है। लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। देखते रहिए किस तरीके से मैं उसका हेयर ब्रश कराती हूँ और किस तरीके से वो मुझे तंग करता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं शुरू कर रही हूँ उसका हेयर ब्रश, देखते हैं क्या करता है, करने देता है भी क्या के लिए। अभी तो शांत है मेरा बच्चा। लियो कोई क्यों चिलियो, गुड बॉय। तो अभी ड्यू टू सीजन की वजह से इनका हेयर फॉल भी ज्यादा होता है और कभी कभी एकदम बहुत ही मिनिमम हो जाता है, तो अभी थोड़ा इसका हेयर फॉल हो रहा है। इसको अच्छा लगता है कॉम्बिंग, इसको अच्छा लगता है हेयर ब्रश करना, इसको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी छटपटाना इसके लिए मतलब जरूरी है। बहुत ज्यादा छटपट छटपट करता है, पता नहीं आज शायद पता चल रहा है इसको कि मेरा फोटो खींचा जा रहा है, मेरा वीडियो लिया जा रहा है, तो मैं शांत बैठता हूँ। या फिर अभी छत से घूम के आया है, दौड़ा भागी करके आया है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी शांत हो। इनका कॉम्बिंग करना बहुत जरूरी होता है फॉर देयर स्किन, फॉर देयर हेयर, क्योंकि ये लोग रेगुलर नहाते नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कि जरूरत ना हो तो रेगुलर नहाने की जरूरत है, बहुत जरूरत हो तो नहलाना जरूरी है, वरना रोज नहलाने की जरूरत नहीं। अगर साफ है, हेयर्स भी साफ है, देखिए कैसे कैसे, देखिए बस शुरू हो गया। बाहर किसी बिल्ली या कुत्ते का साउंड सुना होगा, इनको पता चल जाता है, इनको सुनने की जरूरत नहीं होती है, सूंघने से ही पता चल जाता है। वेट लियो, नो ना देखिए, अभी एक साइड ही हुआ है। वैसे मैं सुबह एक बार झाड़ बात क्या करूं, आप लोग इसी का बात सुन लीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं यही जाने। क्यों इच तुम और क्यों जो बाबा लाल, देखिए देखिए, इसको चिंता है कि बाहर कुत्ते जो है, देखिए अभी एक साइड ही हुआ है। वैसे मैं सुबह एक बार झाड़ बात क्या करूं, आप लोग इसी का बात सुन लीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं यही जाने। क्यों इच तुम और क्यों
जो बाबा लाल देखिए देखिए इसको चिंता है कि बाहर कुत्ते जो है देखिए यही रहता है। मैं बोली ना चलो सिट। मैं कोशिश करती हूँ कि दांत के नहीं प्यार से समझाऊं। ये देखिए इसी में मैं इसका हेयर्स कलेक्ट करती हूँ फिर फेंक देती हूँ ताकि ना उड़े इधर उधर ना उड़े। कोशिश करती हूँ कि प्यार से बोलूं बात समझ जाए। नहीं इसको कमांड कमांड ही चाहिए ऑलवेज कमांड चाहिए। होता ही है ये लोग तो इसी ब्रीड के हैं कि इनको कमांड से बात करो तो ही ये लोग सुनते हैं। प्यार से भी सुनते हैं बट कभी कभी तो कमांड की जरूरत पड़ती है जो हम दोनों के लिए ही जरूरी है मम्मी के लिए भी बच्चे के लिए भी क्योंकि देखिए मेरा तो ये स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसके साथ खींचातानी कर सकूं। मैं इसके साथ चिल्ला के मतलब जोर से बात करके कमांड करके तभी मैं इसको कंट्रोल में ला सकती हूँ। I have to raise my voice. Then only I can control him or he will listen to me. चलिए फिर हो गया हेयर ब्रशिंग। फिर कभी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।